स्टूडेंट्स सक्सेसफुली चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं. अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 पर. राइट, सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7? चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग से रिलेटेड है. ठीक है, अब डायरेक्टिंग कहती क्या है? डायरेक्टिंग कहती है कि लोगों को डायरेक्ट करो. ठीक है, मतलब आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग भी कर ली, मतलब प्लान कर लिया क्या बनाना है, प्रोडक्ट कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, ऑर्गेनाइजिंग कर ली आपने, सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए, स्टाफ को भी आपने रिक्रूट कर लिया. अब क्या करोगे? अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद हमारा फोर्थ फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज़ डायरेक्टिंग. देन उसके बाद आता है कंट्रोलिंग. अब आपको उनको डायरेक्शन देना होगा. राइट, अब इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक, यानी द फेवरेट वन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देख सकते हो. क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ना है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है. ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स डायरेक्टिंग के हैं, ये पढ़ने हैं. 1, 2, 3 हमारे क्वेश्चंस हो गए, यानी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन नंबर हमने कवर कर लिया 3. देन उसके बाद है द मीनिंग ऑफ सुपरविजन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. राइट, सो इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 4. देन आ जाएगा हमारा मोटिवेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन मैनेजमेंट. देखो एक चीज़ बड़ी सिंपल सी समझ लीजिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट में कोई वर्क नहीं हो पाएगा. सो दैट्स द ओनली रीजन, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कवर करते हैं मैस्लोस. यस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो बिल्कुल भी इसको अवॉइड मत करिएगा. ठीक है ना, इसको नंबर 6 डालते हैं एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट, देन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इस चैप्टर को ना थोड़ा जल्दी समझना और अच्छे से समझना. इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर. यस, ऑफ कोर्स डायरेक्टिंग कर रहे हो तो लीडर तो आएगा ही ना, तो उसकी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए. देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस. ठीक, आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डायरेक्ट करोगे? इधर आप उनको फॉर्मली बताओगे और आप उनको इनफॉर्मली बताओगे. फॉर्मल का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका क्या? फ्रेंड्स. ठीक है, और आपके यहाँ पर क्या हो गया? लाइक इनफॉर्मल, सॉरी, इनफॉर्मल का एग्जांपल हो गया आपके फ्रेंड्स, एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर का क्या एग्जांपल हो गया? फॉर्मल में हो गया जस्ट लाइक, जैसे स्कूल समझ लेते हैं, स्कूल में लाइक टीचर्स हो जाते हैं, आपके प्रिंसिपल हो जाते हैं. तो जो टीचर और प्रिंसिपल कम्युनिकेट करेंगे दैट इज़ फॉर्मल. टीचर अगर स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेगा तो दैट इज़ इनफॉर्मल. राइट, फ्रेंड्स आपस में बात करेंगे, सॉरी, टीचर स्टूडेंट से करेगा, दिस इज अ टू लेयर, प्रिंसिपल टीचर से करेगा फॉर्मल, टीचर स्टूडेंट से करेगा फॉर्मल, स्टूडेंट स्टूडेंट में करेंगे दैट इज इनफॉर्मल. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसको कवर अप करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप कम्युनिकेशन किसी से कर रहे हैं तो ऑफकोर्स बैरियर्स तो आने ही आने हैं. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बहुत जल्दी डायरेक्टिंग की तरफ. सो हियर इट इज, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क. एब्सोल्युटली क्लियर है डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? वो डायरेक्टिंग का मतलब बोल रहा है कि मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, तो ये वाला मार्क कर लो, एंड गाइडिंग पीपल, ये वाली भी चीज़ भी बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिए. ठीक है, सो डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस. तो यहाँ पर देखो करना क्या है, हमने यहाँ से इसको पिक किया डायरेक्टिंग से लेकर डूइंग वर्क तक, अपने मतलब की चीज़ हमने निकाल ली. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखो, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. द परफेक्ट वन. डायरेक्टिंग करता क्या है? इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है. लीडरशिप की क्वालिटी, काउंसिल भी करेगा अगर कोई प्रॉब्लम है, मोटिवेट करेगा कि नहीं यू कैन डू इट. लीडरशिप मतलब कभी कभी उसको एज अ लीडर वाले डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए? टू अचीव अगेन ऑब्जेक्टिव. स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट सिर्फ गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कवर अप करते हैं हम लोग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. नाउ हियर इट इज, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग आर गिवन बिलो. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लो, ये वाला पॉइंट कवर अप करो. डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. तो पहला पॉइंट क्या हुआ? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. नेक्स्ट, इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन. अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग.
मीन्स आपके पास पांच फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और हम लोग इसको यानी डायरेक्टिंग को हम लोग की फंक्शन बोल रहे हैं, मतलब कि डायरेक्टिंग स्टाफिंग से भी रिलेटेड है, डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग से भी रिलेटेड है, प्लानिंग से भी रिलेटेड है, इवन डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग से भी रिलेटेड है। सो इट इज़ अ वेरी की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। इसके बाद ये लाइन आप लिख लोगे, डायरेक्टिंग इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है एक्शन को पुश करना, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ें क्लियर कर लो, यानी अगर कोई एक्शन करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो डायरेक्टिंग उसको प्रोवाइड करवाता है एक प्रॉपर डायरेक्शन, उसको कहते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये लाइन कंप्लीट है, इसके अंदर का एक्सटेंशन आप अपने आप लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया डायरेक्टिंग टेक प्लेस हर लेवल पर, टॉप हो जाए या बॉटम हो जाए, या आपका मिडिल, टॉप मिडिल एंड बॉटम कोई भी लेवल हो जाए, डायरेक्टिंग जो है ना वो हर प्लेस पर अप्लाई होगा। तो एक तो ये फीचर इसका मिल गया, दो फीचर और पढ़ते हैं, इसके बाद इसके फीचर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके फीचर से ज़्यादा इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको ध्यान में रख लो। डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉमन थिंग है, याद रहेगा तुम्हें। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली कोई नीचे वाला थोड़ी ना किसी को ऊपर इंस्ट्रक्शन देगा, टॉप वाला ही बॉटम वाले को इंस्ट्रक्शन देगा। तो डायरेक्टिंग क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एंड टॉप टू बॉटम वाले कॉन्सेप्ट को कवर अप कर रहा है, राइट। इसके बाद और नीचे बढ़ते हैं, देखो दो क्वेश्चन ऊपर के कवर हो गए, अब यहाँ कोई हेडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको इंपॉर्टेंस तो पढ़नी है, बट इंपॉर्टेंस में यहाँ हेडिंग नहीं है कोई भी, तो हम लोग अपनी हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे लिए ओपन एंड है, हम अपने आंसर्स को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख सकते हैं, बट लैंग्वेज थोड़ी सी पकड़ के रखना, ठीक है। कवर अप करते हैं कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है। ओके, यहाँ पर वो कह रहा है इंपॉर्टेंस में, पहली इंपॉर्टेंस को पिकअप कर लेते हैं कि डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स, ये कॉमन चीज़ हो गई, वही फिर से उसने बात रिपीट कर दी। इनिशिएट एक्शन करता है कि सुपरवाइजर किसको, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को कवर अप करने के लिए, अचीव करने के लिए। दूसरी बात, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट, यहाँ पर इंटीग्रेट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जोड़ना, क्या जोड़ेगा, एम्प्लॉयज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाओ थर्ड नंबर पर, हेयर इट इज, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग बता देता है, एम्प्लॉय को गाइड करता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जैसे अगर आप कभी कभी डिप्रेस हो जाओ, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको गाइड करता है ना, टीचर करते हैं, आपके ट्यूटर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, तो डायरेक्टिंग ये काम भी करता है। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग एक कम्युनिकेशन टूल है, वो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है, तो उनको वो मदद करेगा कि आपको बताने में कि देखो ये सारे चेंजेस हुए हैं। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप पॉज करके आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हो, जो लाइन कर रहा हूँ येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उससे अपने नोट्स बना सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखो, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आई एम ऑल्सो एग्जामिनर, सीनियर एग्जामिनर, तो मुझे पता है कि वहाँ पर हम लोग सिर्फ ये कीवर्ड्स को चेक करते हैं, देखते हैं आपने इतना लिखा, हम समझ जाएंगे कि आपके पास कंटेंट है, ठीक है। तो हम बहुत डीपली स्टडी आपसे नहीं मांगते, बस आप इनको ध्यान में रखिए जो चीज़ समझने वाली है, राइट। ओके, नंबर फिफ्थ हम देख लेते हैं, डायरेक्टिंग इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव तरीके से डायरेक्शन दिया जा रहा होगा, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाएगी, एम्प्लॉय मन लगाकर काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने दे रखे हैं, हम पांच प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल ये है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, दूसरा है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड, देन उसके बाद है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्शन टेक्निक्स एंड मैनेजीरियल कम्युनिकेशन। इनको सिर्फ याद रखना है, और इनके अंदर जो वर्ड्स हैं ना, इनकी हेडिंग से ही कवर अप हो रहे हैं, चेक कर लो। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कि इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉयज का या एम्प्लॉयर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, वो क्या बताना चाहता है आपको, वो आपको ये बताना चाहता है कि हार्मोनी ऑफ कंफ्यूजन, इट मींस कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक रिदम होना चाहिए, एक प्रॉपर, यानी टॉप से अगर कोई चीज़ चलना स्टार्ट हुई है तो वो प्रॉपर मिडिल तक जानी चाहिए, मिडिल से अगर स्टार्ट हुई है तो टॉप प्रॉपर वो बॉटम तक जानी चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद वो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो जाता है कि वन बॉस, आपने पढ़ा था ना फ्यूल के प्रिंसिपल में,
वन बॉस से आपको इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा प्रिंसिपल. नेक्स्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, जो भी आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं डायरेक्शन की वो प्रॉपर होनी चाहिए, राइट. अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारा का सारा कम्युनिकेशन मैनेजरियल लेवल पर होना चाहिए एंड प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर. तो ये पांच प्रिंसिपल्स आपके कवर अप हो गए, इसके अलावा वो प्रिंसिपल्स नहीं पूछने वाला आपसे, राइट. चलो, ये एट प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स उसके आगे कवर अप करेंगे जो उनके एलिमेंट्स भी बन जाएंगे, ठीक. तो वो पांच प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए थे, वो पांच प्रिंसिपल्स के बाद यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर अप करता है, लीडरशिप क्वालिटी लाता है, फॉलो थ्रू, ये. लेकिन एट मैं फिर से आपसे रिपीट करने को कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर नहीं पूछेगा, ये जो आपने पांच पढ़े हैं ना इनफ है, ठीक है. लीडरशिप इसकी एक एलिमेंट में कवर हो जाएगा, फॉलो थ्रू मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आप फॉलो करिए, यहाँ तक कवर है. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये चार एलिमेंट्स हो जाते हैं डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक. पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, सुपरविजन. अब इसको आप लोग कवर इस तरीके से कर सकते हो, यानी वो आपसे कह रहा है कि सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब हो जाता है सुपर प्लस विजन. तो सुपर का मतलब हो गया ऊपर से किसी भी चीज को मॉनिटर करना, हाईलाइट करना, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन. तो कोई भी सुपरवाइजर जो होगा, लाइक एक वर्ड हम यूज करते हैं यहां पर, क्या, इट इज अ सुपरवाइजर, जो बॉटम वाले पर्सन को, अगर टॉप वाला होगा तो वो मिडिल वाले पर्सन को, और मिडिल वाला होगा तो वो बॉटम वाले पर्सन को, ये कवर अप करते हुए चलेंगे, इनको ओवरलुक करते हुए नहीं चलेंगे, इनके वर्क को देखेंगे, और अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन ट्रू कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी तो उनको गाइड करते हुए चलेंगे. ये वाला पार्ट कवर अप हो गया, ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन जनरल है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा. सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट्स, सुपरवाइजर लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, एंड सुपरवाइजर प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द ग्रुप यूनिटी. सुपरवाइजर कर क्या रहा है, डे टू डे कॉन्टैक्ट्स, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं इसमें, सुपरवाइजर एक और चीज, सुपरविजन को इतना ध्यान इसलिए मैंने मना किया है थोड़ा सा उसको देने के लिए, बिकॉज रीज़न इज़ कि इनके चार एलिमेंट्स में, जब आपने ऊपर एक एलिमेंट्स देखे थे, सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इस बार सीबीएसई ने किया क्या, 2019-20 के एग्जामिनेशन में जो सुपरविजन वाला पार्ट है ना, इसको बहुत लिमिटेड कर दिया, बोला है कि सिर्फ डिस्क्राइब करो, मतलब इसकी मीनिंग को बता दो, राइट. बाकी बहुत ज़्यादा इन डिटेल इसको उसने नहीं पूछा है, बाकी के तीन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को तो इन डिटेल पूछा है, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है ना, लाइक इसको मैं स्ट्राइक कर देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर दीजिए. आ जाते हैं सीधे मोटिवेशन पर. मोटिवेशन पढ़ना है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैस्लोस. अगर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो, सीधे आओ, इमीडिएटली मोटिवेशन में मैस्लोस पर कवर आप कर लोगे, क्योंकि मोटिव एंड मोटिवेशन, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, लाइक दिस, ये मोटिव आप देख रहे हो, ये मोटिवेशन देख रहे हो, तो इस मीन्स की क्या मकसद क्या होता है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करते हैं, फॉर सैलरी, और अगर हमें सैलरी मिल गई तो इट्स गुड. मोटिवेशन हमारा क्या होता है, ग्रोथ अगर ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है तो हमेशा ये चाहते हैं कि ग्रोथ हमारी भी हो, राइट. मोटिवेशन एक मीनिंग है, आप इसको ज़रा विलियम्स जी स्काउट की मीनिंग को आप पढ़ लीजिए. मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish desired गोल. वो यहाँ पर आपसे एक बात बोलता है कि stimulate people को action में ले आओ, उनको इतना motivate कर दो, उनको इतना guide कर दो कि वो action में आ जाए, जिससे कि हमारा desired गोल complete हो जाए. बहुत simple है, एक line की definition है, तुरंत याद कर लो, गलती नहीं होगी. motivators कौन होते हैं, employer भी motivator हो सकता है, supervisor भी motivator हो सकता है, इसलिए मैंने supervisor की meaning आपको बता दी, वैसे तो उसने उसको delete करके रखा हुआ है, right? मीनिंग कवर होगी मोटिवेशन की. मोटिवेशन की मीनिंग को कवर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसके सीधे इमीडिएटली फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. इंटरनल फीलिंग होती है, कुछ बातें पढ़ लो, इंटरनल फीलिंग होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन नेगेटिव कैसे हो सकता है, किसी ने कहते अरे आप तो कर ही नहीं सकते ये काम, तो इसको कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन. कभी कभी कुछ लोगों के लिए ना नेगेटिव मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है, अगर वो काम करना बंद कर दें तो उनका क्या करूँ, उनको एज अ पनिशमेंट के लाइक फॉर्म में उनका इंक्रीमेंट रोक दो,
राइट, तो उनको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फीलिंग आएगी। जब इन्फीरियर फीलिंग आएगी तो ऑब्वियसली बंदा काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मोटिवेशन का प्रोसेस, यस मोटिवेशन का प्रोसेस ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इस वाले प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले क्या होता है, हमारी अनसेटिस्फाइड नीड होती है, ये पहला स्टेप हो गया। हमारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, इसलिए वो अनसेटिस्फाई रह गई। फिर क्या होता है, हमें टेंशन क्रिएट हो जाता है, देन ड्राइव्स आती हैं। ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम सर्च बिहेवियर, फिर हम सर्च करने लगते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, और अगर हमें वो बेटर ऑप्शंस मिल जाता है तो हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है और हमारा टेंशन रिड्यूस हो जाता है। तो क्या हुआ, टेंशन सेकंड से स्टार्ट हुआ, सिक्स पर ख़त्म हो गया, मतलब ऑड से स्टार्ट हुआ और ओ सॉरी इवन से स्टार्ट हुआ और इवन पर ही ख़त्म हो गया। अनसेटिस्फाइड नीड 1, अनसेटिस्फाइड नीड 5, ठीक है, तो 1, 5, 2, 6, बीच में क्या बचा, ड्राइव्स एंड सर्च बिहेवियर। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, आप इसको याद कर सकते हो, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अंदर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, खुद लॉजिक लगाओ ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है, हर चीज़ रटोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो इधर पहला क्या कह रहा है, मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव थिंग्स को, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय का टर्न ओवर, देन उसके बाद एम्प्लॉयज़ के टर्न ओवर, टर्न ओवर मतलब जल्दी जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा एम्प्लॉय। मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बस इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के अंदर इन डिटेल वो नहीं जाने के लिए आपसे बोलेगा। यस, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन सिंपल फॉर्म, दैट इज़ द मास्लोज़ नीड हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पहली होती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंग नीड, इसको सोशल नीड भी बोलते हैं, स्टीम नीड, थोड़ी लग्जरी आ जाती है, सेल्फ एक्चुलाइजेशन कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी कवर अप कर सकते हो, बना सकते हो, यानी एक जनरल बुक्स में बना होता है कि ये वाली हो गई हमारी नंबर वन, कौन सी, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। ये क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब ये वही वाली नीड है। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, सेफ्टी सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का मतलब सोशल नीड हो गई, लव अफेक्शन, आप सोशल एनिमल हो, तो आप कोई इनह्यूमन नहीं हो, ह्यूमन हो तो आपके इमोशंस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड सोशल नीड। तीसरी नीड आपकी क्या चली गई, थर्ड नीड इज स्टीम, थोड़ी लग्जरी, ठीक है, ये आपने फोर्थ स्टेप कर लिया। इसका लास्ट स्टेप होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में बहुत रिच होते हैं, तो हम उनको कहते हैं अरे वाह ये लोग अपनी मेहनत से कहाँ के कहाँ पहुँच गए, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, नाउ हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को कवर अप कर रहा है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हमारी क्या कर रही है, ये तो सबसे टॉप वाली है, तो लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, हंगर, भूख को मिटाना, बेसिक सैलरी से आप अपना हंगर मिटा सकते हो। सेफ्टी सिक्योरिटी, आपकी इनकम स्टेबल, मतलब आपकी जॉब स्टेबल, तो आप पेंशन प्लान कर सकते हो, बुढ़ापे में आपको पेंशन आती रहेगी। बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, ये क्या करती है, एक रिलेशन बिल्डअप करती है। सब कुछ पैसा नहीं होता, कभी कभी दिक्कत होती है तो फिर रिलेशंस काम आते हैं। स्टीम नीड, स्टेटस, थोड़ी सी लग्जरी, जॉब टाइटल, लाइक आप GM हो गए, ठीक है ना, जनरल मैनेजर की पोजीशन में, दिस कॉल्ड जॉब टाइटल। फिर सेल्फ फुलफिलमेंट, अब आपने सोचा यार काम तो बहुत कर लिया, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो वो जो आपके ड्रीम है अपनी खुद की, खुद एक एंटरप्रेन्योर, खुद एक कॉरपोरेट बंदा बनना, तो उसको कह देते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टीम नीड। अब आप सोच रहे हैं ये चल क्या रहे, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स, और आप अगर साथ में लिख दोगे बेस्ट है, या बीच का ये सिर्फ ये वाला ट्राइंगल भी बना दोगे तब भी बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन इनसे ना आप चीज़ों को क्लियर कर पाओगे, इट्स गुड। तो ट्राई करिए कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, मैस्लोज़ नीड आपकी कवर अप हो जाएगी। देन आप कवर करिए फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल्स, वर्ड से क्या लग रहा है, फिनेंशियल मतलब अगर जो चीज़ पैसे से रिलेटेड है, नॉन फिनेंशियल आपको इज्जत ज़्यादा मिल गई, स्टेटस आपका बढ़ गया, सर्टिफिकेट आपको मिल गया अप्रिसिएशन के, वो नॉन फिनेंशियल हो गया। ठीक है, जहाँ भी आप रुके ना मेरी स्पीड पर मत जाइए कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको पॉज कर लो, दोबारा सुन लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे देखो टाइम लिमिट में कंप्लीट करने से सेशन बोरिंग ना हो। फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए, फिनेंशियल में फिर से रिपीट कर रहा हूँ पैसे से रिलेटेड, नॉन फिनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। ठीक है, नीचे उसके एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे, आ जाओ देख लो। इधर फिनेंशियल नीड की बात कर रहे थे ना, फिनेंशियल इंसेंटिव्स की, सो ये पे अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, चार हो गए। प्रॉफिट, बोनस,
वेज पे अलाउंसेस, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, फिनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। नेक्स्ट को पार्टनरशिप, अगर कभी कभी आपको पार्टनरशिप मिल जाती है, स्टॉक ओपिनियन, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दीज ऑल आर फिनेंशियल इंसेंटिव्स। अब इधर आ जाओ, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव, स्टेटस, पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन स्टेटस इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक। देन उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एसी रूम मिल गया, एक बंदा काम कर रहा है, आपका फ्रेंड काम कर रहा है, उसकी सैलरी है ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 50,000, आपकी सैलरी है 40,000, लेकिन आपका जो केबिन है, आरओ वाटर प्लांट है, एसी आपके यहाँ लगा हुआ है, तो आई थिंक ये जो चीज़ें होती हैं ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल नीड्स में आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इधर देख लो, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब उन्होंने खुद अपनी तरफ से ट्रेनिंग करवा दी, जॉब इनरिचमेंट, मतलब आपको कार का फ्यूल व्यूल भी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। खैर फ्यूल देंगे तो उसमें आ जाएगा, लेकिन हाँ पुरानी कार से अच्छी कार दे दी, तो ये जॉब को इनरिच कर दिया, है ना। आप पहले क्यूबिकल में बैठते थे, मतलब क्यूबिकल एक छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर एक साथ लोग काम करते हैं, फिर उन्होंने पर्टिकुलर आपको एक खुद का एक क्या दे दिया, ऑफिस दे दिया, राइट। जॉब की सिक्योरिटी दे दी, उन्होंने कह दिया कि ठीक है भैया आपकी जॉब जल्दी नहीं जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी। और आपका सजेशन लेने लगे, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, क्लियर। इन सारी चीज़ों के बाद आती है लीडरशिप, हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आज बहुत अच्छे से कवर अप कर ली। लीडरशिप होती क्या है, तो जॉर्ज टेरी की ज़रा लाइन सुन लेते हैं, इट्स रियली गुड, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लीडर क्या करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, बस एक लाइन काफ़ी है, ठीक है। और आगे आपको ये बाकी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, कवर अप हो जाएंगी आपकी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप में इम्पोर्टेंस देख लो क्या होती है यहाँ पर, यस यहाँ से आपकी लीडरशिप इम्पोर्टेंस कवर अप हो जाएगी। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लीडर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल, लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशन, लीडर प्लेज अ की रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो मतलब अच्छा चलो फिर कहोगे समझाने का, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। लीडरशिप इन्फ्लुएंस बिहेवियर, लीडरशिप ना जब लीडर बोलता है ना तो सबको फॉलो करने लगते हैं, इसका मतलब हो गया वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर्सनल रिलेशन नहीं बनाओगे तो कोई तुम्हें फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसको बोल दिया पर्सनल रिलेशन बनाना। और प्ले अ की रोल, जो काम मतलब पैसा नहीं करवा सकता, कभी कभी वो लीडर किसी बातें करवा देती हैं, है ना। आपने सुना है जब आप ये चीज़ कहते हो कि लाइक वोट के चुनाव के टाइम तो वोट मांगने आ जाते हैं और उसके बाद नहीं दिखते, दिस आर द थिंग, कि लीडर का काम यही है कि लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर देना, इतना एनकरेज कर देना काम करने के लिए। बट कुछ गुड लीडर जो होते हैं जो अपनी बात को भी रखते हैं तो उनकी लॉन्ग लास्टिंग करियर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि क्वालिटीज़ क्या है गुड लीडर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली पॉइंट अब हम इसको कवर अप कर लेते हैं, देखो नीचे आ जाओ, और अगर आप इसमें से पढ़ना चाहते हो तो इसमें से एक लाइन बहुत अच्छी है विजिट स्लिम की, ठीक है। करेज होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, जजमेंट स्किल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। करेज, विल पावर, जजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, आप इनमें से कोई भी वर्ड उठा सकते हो, आप इसका भी उठा सकते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, मॉरल क्वालिटीज होनी चाहिए, सेल्फ। अब आप समझ गए होगे ना, ये एक जनरलाइज टॉपिक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। लीडरशिप, और आप सबके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, और यहाँ पर बस उसी का उन्होंने एलैबोरेशन दे दिया है। फिजिकल फीचर मतलब पर्सनालिटी गुड, नॉलेज, डीप नॉलेज तभी वो लोगों के बता पाएगा। इंटीग्रिटी, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए। इनिशिएट, खुद इनिशिएट ले लोगों को मोटिवेट करने में। गुड कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो आप इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को जो मैं हाईलाइट कर लूँ, कि नोट्स बनाओगे ना तभी बेनिफिट है ना, आप या तो आप बार बार सुनो, ठीक है, नोट्स बना के देखोगे तो आपको चीज़ें माइंड में याद रहेंगी, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे वो पूछ ही सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, कभी कभी एक वर्ड ये पूछ लेता है कि व्हाट इज डिसिसिवनेस, तो आप ये पूरी लाइन बहुत छोटा सा है, शुड बी डिसिसिव इन मैनेजिंग द वर्क, कन्विंस्ड अबाउट अ फैक्ट, ही शुड बी फर्म, शुड नॉट चेंज ओपिनियंस फ्रीक्वेंटली। मतलब समझ रहे हैं ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डिसिसिवनेस होनी चाहिए, मतलब अपने डिसीजन पर टिका रहने वाला, राइट। ये वर्ड याद रखना, अपने डिसीजंस पर टिका रहने वाला, राइट, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कभी कभी डिसीसिवनेस पर्टिकुलर पूछ लेता है एग्जाम में। बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं, कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी एक लाइन ये पढ़ लो,
हेरोल्ड कून्स की डेफिनेशन पढ़ लो, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, मतलब सेंडर से इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंच गई और रिसीवर ने उसको समझ लिया, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, है ना। आपको इंग्लिश आती है, सामने वाले को नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? दोनों को सेम लैंग्वेज आती है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, मतलब जो बात सेंडर ने बोली वो बात रिसीवर ने समझ ली, बात खत्म, हो गया हमारा कम्युनिकेशन पूरा। नेक्स्ट, राइट, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ, देखो यहाँ पर एक ये कम्युनिकेशन चैनल चल रहा है। आगे हम लोग चलते हैं कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, राइट। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स सेंडर, मतलब एक प्रोसेस में अभी आप आगे पढ़ लोगे, भेजने वाला एक एलिमेंट है, मैसेज दूसरा एलिमेंट है, उसको इनकोड करना मतलब कोई लैंग्वेज देना, एसएमएस के थ्रू भेज रहे हो या लेटर के थ्रू भेज रहे हो, मीडिया, इसके बाद डिकोड करना उसको और रिसीवर को मिल जाना, क्योंकि अगर जब तक डिकोड नहीं करेगा तो रिसीवर उसको समझेगा कैसे, मतलब डिकोड का मतलब इंग्लिश में कोड किया तो डिकोड भी इंग्लिश में हो रहा है, रिसीवर को समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर इनकोड इंग्लिश में किया और अगर इसको सिर्फ हिंदी आती है तो कोई और बंदा उसके लिए डिकोडिंग का काम कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया सेंडर, एक हो गया मैसेज, एक हो गया इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग एंड रिसीवर, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद वाले पार्ट्स में आ जाते हैं हम लोग। नाउ दिस इज़ द डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को बना लेते हो ना और समझ में आ जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेंडर से चीज़ें चली, मैसेज बीच में इनकोड हुआ, फिर मीडिया आ गया, देन उसके बाद डिकोड हुआ, देन रिसीवर को मिल गया और रिसीवर ने अपना फीडबैक, यस आई एग्री और नॉट एग्री, सीधे जाकर उसने वो बात सेंडर के सामने कन्वे कर दी। सो ये पूरा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आप इसको ज़रा लर्न कर लीजिए, दिस इज़ कम्प्लीट अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी यहाँ से इसको कवर अप करना। देन आ जाते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, राइट। इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इन कॉन्सेप्ट को आप इन डायग्राम से सीख सकते हो, वो आपसे नहीं बोलेगा कि ड्रॉ इट, राइट, बट आप समझ लो। फॉर्मल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल टीचर, टीचर स्टूडेंट, इनफॉर्मल स्टूडेंट, स्टूडेंट फ्रेंड, फ्रेंड्स। चेन क्या होती है, चेन कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है, इसको इस तरीके से बहुत क्लियरली समझो, यहाँ से एक बंदे ने, ए ने मिस्टर ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, डी ने ई को बोला, फिर ई ने डी को, डी ने सी को, सी ने बी को, बी ने ए को, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल। बी, ए वाला पर्सन जुड़ा है बी वाले पर्सन से और सी वाला पर्सन जुड़ा है डी वाले पर्सन से, एक अगेन फॉर्मल तरीका। फिर ए वाले ने बी को, बी वाले ने सी को, सी वाले ने डी को, डी वाले ने फिर ई को और ई वाले ने फिर ए को, अगेन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको सर्कुलर बोल रहे हैं, इसको व्हील बोल रहे हैं, ये चेन है, फ्री फ्लो, कोई किसी से भी कुछ भी कह सकता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फ्री फ्लो, कहीं से कोई भी चीज़ जा रही है। इन्वर्टेड वी, ए वाले ने बी को कन्वे किया, बी के अंडर में दो लोग हैं सी और डी, मतलब ए के अंडर में तो ऑब्वियसली ये तीनों हो गए, लेकिन ए सबसे नहीं बोलेगा, बी से बोलेगा, बी उनसे काम करवा लेगा, राइट। सो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फॉर्मल इनफॉर्मल का, फॉर्मल वाला पर्पस कंप्लीट हो गया। इनफॉर्मल में आ जाओ, इनफॉर्मल नेटवर्क का दूसरा नाम ग्रेप वाइन है, याद रखना, क्या मैंने बोला, इनफॉर्मल का दूसरा नाम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ग्रेप वाइन नेटवर्क्स हैं। अब इनमें नेटवर्क में देखो क्या है, ग्रेप वाइन नेटवर्क्स, अब ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं, ठीक है ना। अब इन डिफरेंट डिफरेंट को समझ लेते हैं ज़रा, क्या कह रहा है। नंबर वन, बैडली रिप्रेजेंटेटिव जो मैथड्स हैं, इन चैनल्स के थ्रू एक ने गॉसिप वाला, ठीक है ना, एक ने दूसरे को बताया क्लस्टर वाला, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, प्रोबेबिलिटी ये नहीं पता कौन किसको क्या बता रहा है, बट या तो गॉसिप्स चल रही हैं या तो एक दूसरे को क्लस्टर्स चल रहे हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, एंड प्रोबेबिलिटी कौन किससे क्या कम्युनिकेट कर रहा कुछ नहीं पता, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, राइट। इधर आप देख सकते हो, दिस इज द प्रोसेस जो ये सब हो रहा है ना, ये गॉसिप्स ये जो लोग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन कभी कभी टेंशन को रिलीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बैरियर्स क्या होते हैं, ये भी कोर्स में है, इसको छोड़ना नहीं, कुछ टीचर कह देते हैं कोर्स में नहीं है, नहीं यार कोर्स में है ये। सीमेंटिक बैरियर, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, बहुत खराब तरीके से आपने बोल दिया, सीमेंटिक, बार बार रिपीट कर लेना, नोट्स बना लेना, क्लियर हो जाएगा। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग,
अब सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग का मतलब, कोई सिंबल ऐसा है जिसका मतलब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई किसी को सिर्फ टिक लगाना है तो उसने ऐसे लगा दिया, वैसे तो टिक ऐसे होता है, लेकिन इसका भी मतलब क्रॉस तो नहीं है, क्रॉस का मतलब ये होता है, लेकिन लोगों ने अगर ऐसे लगाया तो उसने उसको क्रॉस समझ लिया, समझ गए? तो सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, ये वाला पार्ट कवर अप हुआ। आगे देख लेते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, ना उसको हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो इंग्लिश आधी अधूरी सुनकर उसने आधी अधूरी बोल दी, प्रॉब्लम होगी। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, आपने अंदाज़ा तो लगाया लेकिन अनक्लैरिफाइड, क्लियर नहीं हुआ, ये एक प्रॉब्लम। ये सारे सारे सीमेंटिक बैरियर्स थे जो आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे। देन उसके बाद आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, माइंड से रिलेटेड। पहले ही आप किसी के बारे में गलत सोच लो, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, पहले ही आप उसको प्री एज्यूम कर लो, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर इवेल्युएशन। लैक ऑफ अटेंशन, आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, साइकोलॉजिकली ही तो है, आप उनको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, सो दिस इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर एंड लैक ऑफ अटेंशन। अच्छा, देन उसके बाद आगे आ जाते हैं लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, बात करते करते नेटवर्क चला गया या आपने ध्यान नहीं दिया, किसी और से आप बात करने लगे, डिस्ट्रस्ट, आपको सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम्स आ गई। देन और आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन में ईगो बहुत चलता है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वो फेवर में होंगे, जो नहीं मानते वो अगेंस्ट हो जाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेटस इशू, मैं हाई, मैं बॉस, मैं क्यों मानूं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, किसी से बात करनी है, पता चला आप रोज़ जाते हो मैडम मीटिंग में, रोज़ जाते हो सर मीटिंग में, बात ही नहीं कह पा रहे हो, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है, कभी कभी ये कैसे होती हैं, स्मूथ क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन नॉट प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन मे बी हैम्पर्ड, फैसिलिटी लाइक फ्रिक्वेंट मीटिंग, सजेशंस बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स, सोशल कल्चरल गैदरिंग्स, राइट, विल इनकरेज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आते हैं कुछ हमारे पर्सनल बैरियर्स, फियर, डर, हम नहीं भैया हम ये काम नहीं कर सकते, ये एक डर। दूसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंग टू कम्युनिकेट, बात ही नहीं करना चाहते, हमें मतलब हमारा खुद का दिल नहीं कर रहा है काम करने का, डर रहे हैं, ठीक है ना, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये सारे के सारे बैरियर्स भी हमारे लिए बन जाते हैं। अब वो कह रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिवली किया जाए, तो उसका एक तरीका है, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने से पहले आइडिया को क्लियर कर लो, डिस्कस कर लो, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करो। ये है वो बैरियर्स टू ओवरकम, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सारे सजेशंस हैं, राइट, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है ना, दिस इज द सजेशंस, सजेशंस हैं, ये सोल्यूशन है कि प्रॉब्लम तो आपने ऊपर पढ़ ली, पर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, उन बैरियर को तोड़ा कैसे जाए, ये उनके सजेशंस हैं, ठीक है, तो उन सजेशंस को आपने कैसे कवर अप किया, पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा किया, आपने किया कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू अ नीड ऑफ रिसीवर, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, क्लैरिफाई द आइडिया, इसके बाद बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, कन्वे थिंग्स, हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर, इसके बाद आ जाते हैं इंश्योर प्रॉपर फीडबैक भी लो, बात करो, कम्युनिकेशन ब्रेक मत होने दो, कम्युनिकेशन को फॉलो करते रहो, बी अ गुड लिसनर, अब ऐसा नहीं आप बोलते ही जा रहे हो, सामने वाले को भी तो सुनो, एंड कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर, ओके स्टूडेंट, खत्म हुआ डायरेक्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आई रिपीट, बार बार रिपीट करके सुनना, मुश्किल से आधे घंटे में कवर अप हो गया, ऐसे समझो तो मतलब एक छोटी सी क्लास भी होती है ना, वो भी 35 मिनट्स की होती है, उससे भी कम में समझ में आ गया आपको, आप बार बार इसको सुनिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वाला चैप्टर यानी जो लास्ट है बुक वन का कंट्रोलिंग, वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड्स बहुत पास है, ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।